ताकु नहीं दादा शरद पवार और पुत्र अजित पवार को मध्यरे लड़े जारी रही एनसीपी दल और चिन्ह तांकर बोली दावी करुछंती अजित पवार एथिसो तांको प्रति 42 जन विधायकों समर्थन थिबा से कहिछंती एपटे शरद को गोष्ठी कहिछंती तांको प्रति 44 विधायकों समर्थन रही तेबे कहा पक्ष रे केते विधायक केते सांसद अछंती से नहीं बैठक बर्तन डका जाइछे एवं बैठक परे ही जना पड़ी जीवो कहा प्रति केते समर्थन रही अजित पवार ना शरद पवार बांद्रा रे एक एजुकेशन हॉल रे अजित पवार बैठक चली जोटी छगन भुजबल राजेन्द्र पाटिल अदिति ताकर बाबा आत्राम माणिकराय कोकाट प्रमुख विधायक उपस्थित अच्छा आपटे वाइवी चवन ऑडिटोरियम रे आयोजित शरद बैठक में अनिल देशमुख रोहित पवार अशोक पवार प्रमुख अच्छा एवं 8 विधायक सांसद सुप्रिया सुले 15 जिला सभापति जोग अधिक अपडेट सेठरु जेनिबा मुंबई प्रतिनिधि वासीम अंसारी आम सहित अच्छा वसीम जिस हिसाब से एनसीपी पर दावेदारी जो बात हो रही है और इसके हिसाब से अभी जो बैठक चल रही है किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है उसको लेके अभी जो दावा चल रहा है क्या देख रहे हैं आप? देखिए अब तक पूरी तरीके से पूरी स्थिति साफ नहीं हो पाई है क्योंकि दोनों तरफ ही जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू है। कई बड़े नाम जो हैं वो शरद पवार के पक्ष में जा रहे हैं तो कई ऐसे बड़े नाम हैं जो अजीत पवार के साथ हैं वो स्टेज पे नजर आ रहे हैं जो लेकिन इन सब के बीच में जो खेल है वो आंकड़ों का खेल है वो आंकड़ा कहीं साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। दावे जरूर किए जा रहे हैं क्योंकि स्टेज पे जिस तरह से अभी छगन भुजबल स्पीच कर रहे हैं और इस बात पे वो जोर दे रहे हैं कि 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी उनके साथ हैं। ये जो एमएलसी और एमएलए ये इनके साथ है और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस बात पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि छगन शरद पवार की पार्टी एनसीपी उन पदों को नहीं भरती थी जो रिक्त है जिसकी वजह से काम करने की वजह से काफी दिक्कतें आ रही है। तो ताकत के बल पर यहाँ पे सारी चीजें देखने की कोशिश की जा रही है। जो आंकड़े हम चाहते थे जो 40 के आंकड़े का जो दावा भुजबल की तरफ से किया जा रहा था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तर्क था कि कुछ लोग उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है अपने निजी काम से की वजह से नहीं आ पाए हैं कुछ विदेश में इसलिए नहीं आ पाए हैं तो इस तरह के तर्क दिए गए लेकिन इन तर्कों से ज्यादा महत्व तो ये रखता है कि आपके पास अगर मेजोरिटी नहीं है तो आप पार्टी पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। पार्टी पे क्लेम करने के लिए जो आंकड़े चाहिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि 9 विधायक ने जो शपथ ली अजीत पवार की अध्यक्षता में उन सभी के खिलाफ एक पत्र लिखा है अपात्र करने के लिए बाकायदा विधानसभा के अध्यक्ष को। ऐसे वक्त में अगर ये आंकड़े उनको नहीं छुपाते हैं और किसी भी तरीके से मामला हाउस में जाता है हाउस में होने के बाद जब ये हेड टू हेड काउंटिंग की बात आएगी उस दौरान अगर ये आंकड़े नहीं नजर आएंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती है अजीत पवार के लिए। दावे दोनों तरफ से जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले भुजबल कह रहे थे कि जो शपथ ली गई है वो शपथ इसलिए ली गई कि सारा अभ्यास किया गया है यानी कि आंकड़े उनके पास है तो आरोप और प्रत्यारोप के बीच में दोनों के बीच में सारी चीजें चल रही है लेकिन लीगल टीम दोनों तरफ से अपनी अपनी भूमिका बनाए हुए हैं। अभी की जो शुरुआत हो रही है ये दिखाने की कोशिश यहाँ पे अजीत पवार की तरफ से की जा रही है कि महाराष्ट्र में जो उनकी ताकत है साफ तौर पे वो यहाँ पे उनके साथ है और सारे लोगों की सहमति के बाद ही उन्होंने सरकार में शामिल हुए हैं जी। तो दूसरी तरफ वासिम जो दल और चिन्ह को लेके अभी दावेदारी किया जा रहा है अजीत पवार बोल रहे हैं कि एनसीपी उन्हीं का है और जो चिन्ह है उस घड़ी को लेके वो दावेदारी करे उसको लेके क्या अपडेट है? देखिए दावे तो दोनों तरफ से कर रहे हैं कि पार्टी हमारी है चिन्ह हमारा है। अजीत पवार ने इस बात की भी घोषणा कर दी थी कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के साथ इसी चिन्ह पे लड़ेंगे। सबसे अहम बात यह है कि आज जो बैनर लगे हैं उस बैनर में शरद पवार की भी तस्वीर है। सबसे पहले तस्वीर शरद पवार की दिखाई दे रही है। शरद पवार एक तरफ अपनी पार्टी को बचाने के लिए सभा कर रहे हैं तो उनकी पार्टी दूसरी तरफ अजीत पवार जो सभा कर रहे हैं उसमें शरद पवार की तस्वीरें लगा के रख रहे हैं यानी कि चेहरे के तौर पर अभी शरद पवार की जो तस्वीरें हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम उन्हें कन्विंस करेंगे और शरद पवार को अपनी तरफ ले आएंगे इस तरह की रणनीति का तौर पर यहाँ पे काम किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको पार्टी चाहिए पार्टी का चिन्ह चाहिए फिर चुनाव लड़ना है तो इन सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपको पहले पार्टी का अध्यक्ष बनना होगा तो पार्टी के जो मेजोरिटी है उस मेजोरिटी को अपने हाथ में लेनी होगी इसके बाद ही आप पार्टी में क्लेम कर सकते हैं। पार्टी में क्लेम करने के बाद चुनाव चिन्ह मिल सकता है लेकिन ये इतना आसान अजीत पवार के लिए नहीं होगा क्योंकि अब तक लीगल लड़ाई शुरू नहीं हुई है। फिलहाल अजीत पवार के साथ एक्टिव मोड पे शरद पवार भी दिखाई दे रहे हैं और वो बाकायदा अपनी जो रणनीति है वो बनाने की तैयारी में पूरी तरह से लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में
बहुत ही ऐसी अलग अलग चीजें देखने मिल सकती है दोनों तरफ से, जहां पर साफ हो पाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति तय है। लेकिन ये बात तय है कि कानूनी लड़ाई भी जरूर इन दोनों के बीच में देखने मिल सकती है। पश्चिम पिछले कुछ 2-3 दिन से हम बोल सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो अभी हड़कंप दिखने को मिल रहा है राजनीतिक तौर पर, उसमें विश्लेषक या फिर जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी है या फिर जो राजनीतिज्ञ है उनका क्या कहना है? देखिए, राजनेताओं का साफ तौर पर ये कहना है कि कई जो आंकड़े जो सामने अजीत पवार बयान कर रहे हैं उन आंकड़ों को कहीं ना कहीं वो पार भी सकते हैं, इसकी एक वजह ये है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक माहौल लोगों ने देखा है, शरद पवार एक मजे हुए खिलाड़ी है, शरद पवार की अपनी एक प्रतिमा है लोगों के बीच में जाने की। अभी सभी को याद होगा कि 2019 के जब इलेक्शन चल रहे थे उस वक्त सतारा में एक सभा चल रही थी, सभा के दौरान शरद पवार वहां पर स्पीच कर रहे थे और उसी दौरान तेज बारिश आई और उस बारिश में देखते हुए शरद पवार ने अपने जो सभा है उसको संबोधित किया था। इसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में एक पिक्चर अलग हो गई थी और जो आज आंकड़े देख रहे हैं विधायकों का, उस सभा का सबसे बड़ा असर था और इतनी बड़ी संख्या में उनके विधायक चुन के आए थे। तो जमीनी लड़ाई शरद पवार को लड़ना बहुत बेहतर तरीके से आता है और रणनीतिकार के तौर पर उन्हें जाना भी जाता है, तो इतनी आसान नहीं होगा जिस पवार के लिए इस पूरे मामले को संभालना। लेकिन एक उदाहरण उनके पास है शिवसेना का, जब उद्धव ठाकरे की जब शिवसेना टूटी और शिंदे जो आप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उन्होंने 40 विधायकों का समर्थन को प्राप्त था और उसी के बल पर उन्होंने पार्टी में क्लेम किया और पार्टी क्लेम करने के बाद उन्हें असली शिवसेना के तौर पर चुनाव चिन्ह और साथ ही पार्टी का नाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिला था। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में कानूनी लड़ाई हुई थी और शिवसेना ने भी अपनी जो भूमिका रखी। जी बिल्कुल, और वैसे ही कुछ अभी भी देखने को मिल सकता है, हम बोल सकते हैं पवार की फैमिली के बीच में। वजीम, और एक बात है, इस बीच में जो विशेष खबरों से क्या मालूम पड़ रहा है, कितने विधायकों का समर्थन अजीत पवार के साथ है, कितने विधायकों का समर्थन शरद पवार के साथ है? देखिए, अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े दोनों तरफ से बयां किए जा रहे हैं। अजीत पवार की तरफ से स्टेज पर साफ तौर पे बोला जा रहा है कि 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी उनके स्टेज पर है और कुछ लोग यहाँ पहुंचे नहीं है, कुछ निजी कारणों की वजह से, कुछ विदेश में होने की वजह से, वो भी वहां पहुंचेंगे जब जरूरत पड़ेगी। हमारे पास सभी का समर्थन है और इसी वजह से हमने ये शपथ ली है, एक दावे इनकी तरफ से पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। तो कुछ लोग जो शरद पवार के साथ हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि एनसीपी मतलब शरद पवार ही एनसीपी है और हम उनके साथ भी, आंकड़े हमारे पास भी हैं। तो दोनों तरफ से आंकड़ों का ही खेल चल रहा है, दोनों तरफ से दावेदारी की जा रही है। लेकिन ये जमीनी लड़ाई के साथ साथ जो टेक्निकल पार्टी के लिए जो एक आंकड़ा चाहिए दोनों तरफ से क्लेम करने के लिए, अगर जो आंकड़े हैं 36 से 37 विधायक अगर अजीत पवार के समर्थन में नहीं आते हैं तो हो सकता है कि अजीत पवार के मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल तो आगे देखने को मिलेगा वाशिम की वहाँ पे क्या हो रहा है और कितने विधायक किसके पास जा रहे, यही देखने को अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी की जानकारी के लिए आपको। तो बर्तन आप देखुं गोटे पटे शरद पवार बैठक चली, सेपटे अजित पवार बैठक चली, दुई जन ही निज निज पाखे विधायकों समर्थन या कहते, गोटे पटे अजित पवार कहते 40 विधायकों समर्थन ताके रही, जदिव बर्तन बैठक में किसी विधायक अनुपस्थित अच्छा कहुचे विदेश अच्छा आसी पार ना, सेपटे शरद पवार कथा कह जो मैंने कहते कि एनसीपी मैंने शरद पवार और जहां वासी कहते कि चाणक्य भाव में जेहेतु से परिगणित और जिते बड़े निर्वाचन परिचालना कथा कहे शरद पवार से जो रणनीति कौट ना कौट कम देता है, हूं तो से दृष्टि देखिले हूं तो अजित पवार आगामी समय समस्या बढ़ी पाए एक भी कहुच्छ कि अपेक्षा रही बर्तमान बैठक पर जना पड़े क्यों विधायकों क्या प्रति के समर्थन रही, अर्थात जो गणित कथ कह शरद पवार के विधायकों समर्थन रोचे, सेपटे अजित पवार के विधायकों समर्थन रोचे ता बैठक पर जना पड़े। कितु या भितर महाराष्ट्र राजनीति सरगरम हो किदिन किस तल कथ मन पक जो समय शिवसेना गोष्ठी विभक्त हो जाए से समय राजनीति सरगरम होता बर्तमान जिते बड़े पावर फैमिली कथ कह पावर वार कथ कह अपेक्षा रही विधायकों कौ व्यक्ति प्रति अर्थात दादा प्रति या पुतरा प्रति समर्थन रही किसी समय मध्य जना पड़े। राष्ट्रवादी पदाधिकारी कार्यकर्ते महिला युवक युवती सगळ्यांना विनंती आहे की चौथ्या मजल्यावरती सगळ्यांनी जायचं आहे, चौथ्या मजल्यावरती स्क्रीन आहे, बसायची व्यवस्था आहे, हॉल मधला कार्यक्रम आपल्याला चौथ्या मजल्यावरती मिळेल। बाहेर सगळं यशवंतराव चव्हाणच्या बाहेर हॉलच्या बाहेर लोकांची कार्यकर्त्यांची प्रचंड गर्दी झाली आहे, हॉल मध्ये पाय ठेवायला जागा नाहीये,
स्टेज वरती जागा नाही आहे, आपण सगळ्यांनी चौथ्या मजल्यावर जावं ही नम्र विनंती। हॅलो हॅलो